मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मॉर्निंग मॉर्निंग ही थोड़ा सा मैंने व्लॉग शुरू किया है, मैंने नहा भी लिया है। और आज क्या पूरा दिन क्या होगा आप देख सकते हो। आज तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का मैं रेसिपीज बना रही हूँ। मुझे लगता है दो बना सकती हूँ, देखेंगे कितना बना सकती हूँ करके। प्लीज़ फुल वॉच कीजिए मेरा जो वीडियो है, एंड तक वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए तो मॉर्निंग नाश्ते में बनी ढोकला स्पेशल बनी आज, उसके पास साथ चटनी भी, बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारी गाड़ी की कवर डाल रहे, क्लीन हो गया, कवर डाल रहे। आज हमारी एसी का क्लीनिंग भी हो गया, क्योंकि एसी में जो अंदर का पोर्शन में एक नेट रहता है, उसे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे 15 दिन में एक बार, नहीं तो एटलीस्ट एक महीने में तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हवा ठीक तरह से आएगा नहीं। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे रिमाइंड करते रहते, अभी उन्होंने कर दिया, उनके जाने के बाद तो मुझे ही करना पड़ेगा। उनका वो काम भी हो गया और ट्यूबलाइट्स चेंजिंग का काम भी हो गया, ये रही ट्यूबलाइट्स चेंजिंग का काम भी हो गया। मुझे अगर हाइट में है किचन का तो मैं कर नहीं सकती थी, उन्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगर हाइट का लैडर तो मेरे पास है नहीं, तो चेयर्स लगा के उसके ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने पूरा कर दिया। ये फ़ैन थोड़ा साउंड कर रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, मोटर का प्रॉब्लम लगता है, मोटर अगर ख़राब हुआ है तो उसका हो जाएगा, चेंज करेंगे, देखती हूँ। थोड़े दिन ऐसे रहने दीजिए, कोई मिल नहीं रहा था तो ऐसे रहने दीजिए, बाद में देखूँगी, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो चेंज कर दूँगी। लंच में बनी ये जो है केले का तवा फ्राई है, केला और करेला जो है उसकी तवा फ्राई है, और मैंने नारियल डाल के सांभर बनाए हैं। तवा फ्राई और ये खाली मसाले का नहीं है, रवा फ्राई भी है, रवा डाल के मैंने फ्राई किया है। ये बन गई मेरी सांभर। इसमें तो मैंने सिर्फ ये नहीं डाली, पाउडर डाली नहीं, लेकिन इसके साथ नारियल भी डाल के ग्राइंड करके डाली हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है ये सांभर। वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स का है, मैंने सभी तरह का वेजिटेबल्स डाल दिया, क्योंकि जब मेरे बेटा खाता है तो कुछ कुछ वेजिटेबल्स नहीं खाता है, तो इसमें पूरा मिल जाता है तो खा लेता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये हो गई हमारी सांभर। आज हमने सोचा थोड़ा सा फ्रूट्स ज़्यादा ही था और कुछ कुछ ज़्यादा ही पक गया था, तो फ्रूट सलाद बनाने की सोचे। ये बन गई फ्रूट सलाद हमारी। जो आटा मैं बना के रखी हूँ, ये रोटी के लिए नहीं है, ये जो है बंस का आटा है, बंस बनाने के लिए, हमारे मैंगलो स्टाइल की बंस जो बनती है उसके लिए है। मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, तो वो आए हुए, जब भी वो आते हैं तो मैं एक बार बना लेती हूँ, उसके बाद तो मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ये डीप फ्राई का है, तो कभी 2-3 महीने में एक बार खा सकते हैं। इसका कलर ऐसा है कि गुड़ जो है, मैं गाँव से जो लाई थी प्योर गुड़ जागरी है, उसका है, तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। यूजुअली बंस इतना डार्क कलर रहता नहीं है, लेकिन ये गुड़ जो है हमने गांव से मंगवाई हुई गुड़ डाला है, ये प्योर गुड़ है, तो मैं वही डालती हूँ। कलर का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा रहने का बस। तो मैंने ए साइज़ में बनाई है इसे, जो रोटी के जैसे ही, रोटी के जैसे नहीं, पूरी के जितने भी हैं उससे छोटा वाला, छोटी छोटी रोटियां बना दूंगी और इसे डीप फ्राई में तल लेता है। ये इसकी गोलियां हैं और ये बन गई उसकी छोटे छोटे जो पूरियों जैसे रोटियां उसी साइज में। और ये मैंने तेल रखी है यहाँ पे, ये मैंने डाली है अभी, ये बन रही है बंस। जैसे नॉर्थ में कचौरी बोलते हैं ना, कचौरी के अंदर थोड़ा बहुत फिलिंग होता है, लेकिन इसमें फिलिंग नहीं होता है। आप जब बनाते हो, आटे बनाते हो, तो जो इसकी आटे बन जाती है ना, तो उसी वक्त हम लोग मिक्सी में पूरा मिला के डाल देते हैं।
आपका क्या आवाज़ आ रहा है बाहर से, आवाज़ कम करो। तो ये बन गई हमारी बंस और मैं एक इसको देने वाली हूँ। क्यों इतना बनाया वो बताती हूँ आपको। ये चाय का टाइम है, चाय कॉफी पीना। मैं खत्म हो गया, आज स्ट्रांग नहीं था, दूध ज़्यादा था क्या? मैं समझी स्ट्रांग हो जाएगा इसलिए कम डाले। आज तो षष्ठी है इनका, आज रात का तो ये नहीं है चावल, एक ही खाना है, रात का खाना है। आप क्या कर रहे हैं? चने चबा रहा हूं। चना थोड़ा खा रहे हैं क्या? इसका कबूतर का दाना मंगाया मैंने, कल आएगा। हाँ। कल देना दाना, देना हर दिन दाना, कबूतर को डालो। कबूतर को दाना डालने में कितना क्या क्या होता है पता आपको? हर दिन कबूतर को दाना डाले तो क्या होता है? कबूतर ही कुछ प्राप्त होता है। अभी ज्यादा ही प्राप्त हो गया हमें। नहीं उनको तो डालेंगे ऐसे ही, प्रॉब्लम नहीं, वो इस तरफ नहीं आएगा उस तरफ। ये उसका ना, वो उसका पिल्ला जो था ना, पिल्ला नहीं वो छोटा, ये वही बेबीज था ना, पिल्ला ही है वो, पिल्ला नहीं है वो, हाँ छोटा है वो। वहाँ पे डाला था वो, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ लेके गए लगता है मुझे। नहीं है वो, साउंड नहीं आ रहा है, बड़ा हो गया होगा इतनी जल्दी, दो दिन के अंदर पता नहीं। लेकिन हम लोग खाना डाल रहे है ना, दाना दाना खाना नहीं, दाना डाल वही खाना, दाना दाने लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ अभी आपके इस पे किसका नाम लिखा है? चना के ऊपर कंकम का नाम लिखा है। उसका हेयर कट तो बाप ने बनाया। बाप बोलते हो, पापा बोलो, पापा ही है बाप, नहीं बोलने का। तुम्हारे पापा ने वो हेयर कट करा दिया घर में, ठीक किया बनाया, खराब नहीं किया। हाँ चाहिए, अच्छा देखो दो दिन में आ गए इसको। हाँ अभी एग्जाम तक को मेंटेन करो, बाद में उधर से बाहर नहीं तो साल अपडेट है। हाँ नहीं नहीं तो मैं साल क्या, ये साल ही टेंथ है अगले साल, नहीं अगले साल एकेडमिक, एकेडमिक ईयर अपुन टेंथ है। हाँ अपुन टेंथ है, अपुन को, अपुन को कहीं पर जाने का नहीं है, बैठने का एक जगह। हाँ अपुन घर पे ही बंद टेंथ में। मैं जिंदगी में नहीं सोचा जब मैं छोटा था, अभी टेंथ के लिए बहुत सारा है। तुझे ना ये बाल निकालते है तो राउंड सा फेस हो जाता है तेरा, और इतना मोटा सा लगता है, अर्थ जैसा। तो फ्रेंड्स अभी गला बैठ गया, नहीं गला तो ठीक है। अभी शाम की 6:30 बज गया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आपको दिख रहा है ना, वॉक पे जाने का है। तो चाय भी हमारी हो गई है, चाय तो पी लिया ना, उसके बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा बाहर भी काम था, ये वो लाने का चीज़, थोड़ा बहुत चीज़ लाने का भी रहता है। हम लोग बिग बास्केट में तो ऑर्डर करते हैं, फिर भी पूरा सामान तो मिलता नहीं, कुछ 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 सामान तो लाना ही पड़ेगा। और घर के जो जो भी, जब एक कभी ट्यूबलाइट जाता है, कभी टैप का टैप लीक होने लगता है, वो सब चलता ही रहता है ना, तो कुछ तो काम रहता है। और हमें तो यहाँ से जो ग्रॉसरी आइटम्स का रहता है और वेजिटेबल्स रहता है, वो सब तो मिल जाता है अंदर ही, थोड़ा बहुत मिल जाए। कुछ वेजिटेबल्स तो आजकल तो पूरा मिल रहा है, पहले पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, लेकिन आजकल पूरा मिल रहा है। और उसके बाद तो ग्रॉसरीज तो मिल रहा है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल आइटम्स रहता है और प्लम्बिंग आइटम्स रहता है थोड़ा बहुत, वो मिलता नहीं है। और आजकल तो ऑनलाइन में हम लोग ऑर्डर करके थोड़ा बहुत मंगवा भी सकते हैं, तो ऐसे चल रहा है। तो चलिए अभी मुझे वॉक पे जाने का है, आपको बताया मैंने, वॉक पे जाके आ जाती हूँ, उसके बाद रोटियाँ बनाने का है, तो वो सब काम करेंगे, ठीक है चलिए। तो फ्रेंड्स ये बन गई मेरी बंस, और आज नाश्ते में थोड़ा सा इवनिंग में खाने के लिए बनाया, आपको बता रही थी ना मैं, मेरे हस्बैंड के लिए बनाया, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैंने ये नहीं बनाया क्या, बंस के साथ भाजी नहीं बनाया, वो भी इसका ग्रीन पीस का बनता है ना,
ड्राई ग्रीन पीस का उसका बनाया नहीं, ऐसे ही खा सकते। चटनी था मेरा, थोड़ा चटनी पड़ा था ये फ्रिज में, तो उसके साथ खाएंगे। तो आज का बंस का भी हो गया और ये बंस थोड़ा सा खा लिया हमने। फिर मैं किसको दे रही हूँ, कहाँ लेके जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बता, कल के ब्लॉग में आपको आ जाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना सा है। तो इवनिंग तक क्या क्या हो जाएगा, रात तक क्या क्या हो जाएगा, इवनिंग तो हो गया, रात तक क्या क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। चलिए मिलती हूँ। हाँ, और मैं एक बात बताना भूल गई, ये बंस जो है आप इवनिंग बना के कल के लिए भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है, क्रिस्पी रहता है। तो इसमें ये नहीं है कि आपको सुबह तक क्या हो जाएगा, मैं तो अभी 6 o'clock को ये बनाई हूँ, तो कल तक हो जाएगा, डिब्बे में डाल के लेके जा सकते हैं, खा सकते हैं। ओके, मिलते हैं बाद में आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं वॉक पे जाके वापस आ गई और आज का वॉकिंग का काम भी हो गया और जो भी है खाना थोड़ा बहुत रोटियां बनाने का और खाने का और सोने का, बस इतना सा। अगले दिन फिर से काम शुरू हो जाएगी। मुझे तो घर का काम मैं ही कर लेती हूँ ना, तो कोई मेड तो रखी ही नहीं मैं। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे 3 दिन में घर का एक एक क्लीनिंग का और बाथरूम क्लीनिंग सब रहता है, वो सब करना पड़ता है, वो सब हो जाता है। और उसके बाद 3 दिन छोटा छोटा काम जो रहता है उसका, और खाना कल क्या बनाने का, आज क्या बनाने का, वो सब प्लान करना पड़ता है ना, तो हो जाता है। चलिए, आज का दिन तो हो गया। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी डालना मत भूलिए प्लीज़। अगर आप कमेंट डालेंगे तो मुझे कुछ मिस्टेक्स है तो सुधार सकती हूँ। और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अंटिल देन, अगले व्लॉग तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। मिलते हो, टेक केयर, बाय बाय। तो अभी सुबह का 7 बजे है, वो जाने वाले थे तो इसलिए 6 बजे उठ गई और उनको थोड़ा नाश्ता भी बना दिया। चलिए मिलती हूँ बाद में। तो ये बंस का डिब्बा मैं मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ क्योंकि आज वो जाने वाले हैं, वापस जा रहे हैं, तो ये दे रही हूँ बंस। ज़्यादा तो नहीं है, ये देखिए उनका बैग रेडी हो गया। सेफ ले जाओ, हाँ ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड भी इस बार वापस चले गए, आपने देखा है, और मेरा भी काम हो गया। मैं आज जल्दी ब्लॉग एंड कर लेती हूँ क्योंकि थोड़े बाहर जाने का भी काम है, शॉप जाने का है, और वैसे ही मैं वॉक ख़त्म करके आ जाऊँगी। चलिए, आज जल्दी मैंने ब्लॉग एंड कर दिया, एंड करना चाहती हूँ, बाद में मैं ब्लॉग नहीं कर सकती हूँ। तो अगले ब्लॉग तक मेरा इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स डाल दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ओके, मिलती हूँ, टेक केयर, बाय।